Students, I hope you all are good and I am also good today. As you can see, this is your English grammar book. Students, this is contents and look, there is a 22 chapters in this book. But now we can learn first chapter, nouns. Okay, students? Here is a chapter, chapter 1, nouns. A noun is a word used as the name of a person, a place, an animal or a thing. संज्ञा वह शब्द जिस जो हम नाम को किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या चीज़ के नाम पर लिखा जाता हो, प्रयोग में लाया जाता हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं. रीड दी सेंटेंसेस. नितिन एडमायर्स हिज ग्रैंडफादर. नितिन अपने दादाजी की प्रशंसा करता है. तो इसमें जो नितिन है वो एक पर्सन है, तो ये हमारा नाउन है. द रेस्टोरेंट इज़ ओपन. जो रेस्टोरेंट है वो ओपन है, यानी कि खुला हुआ है. तो इसमें जो रेस्टोरेंट है वो हमारा एक प्लेस के रूप में नाउन है. थर्ड, द डॉग बार्क्ड एट द गर्ल. जो डॉग है वो लड़की पर भौंक रहा है. तो इसमें हमारा जो डॉग है वो एक नाउन है एज अ एनिमल. प्लीज़ ओपन द विंडो. कृपया करके खिड़की खोलें. तो इसमें जो विंडो है हमारा एज अ थिंग के रूप में नाउन है. ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, आप इन्हें नोट कर लें. वर्ड, शब्द, पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान, एनिमल, जानवर, चीज, थिंग्स, चीज. ओके, एडमायर्स प्रशंसा, बार्क भौंकना. स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. तो अभी जो आपको ये वर्क है वो एक इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक बनानी है, उसमें आपको वर्क करना है. अब आपको नोटबुक में वर्क करना है, न्यू नोटबुक इंग्लिश ग्रामर की बनानी है, उसमें ऐसे वर्क करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अ डेट, सी डब्ल्यू, चैप्टर 1, नाउन डेफिनेशन. नाउन, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, एयरपोर्ट, बटरफ्लाई, ट्री, ब्रेवरी एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ नाउन्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ सेम एज यू नोट दिस वर्क इन योर नोटबुक. थैंक यू.